मोतिहारी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने एक घंटे के अंदर 2 एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोरों ने पहले तुरकौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा में लगी एसबीआई के एटीएम का सेफ काट कर चोरी की, फिर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डीएवी बनकट में लगे एसबीआई के एटीएम को अपना निशाना बनाया। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिया था। वहीं सूचना मिलने पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर पुलिस की टीम पहुंच गई, लेकिन तब तक चोर भाग निकले। तुरकौलिया के सेमरा और मुफस्सिल थाने के बनकट में बनी एटीएम पर चोरों ने हाथ साफ किया, बैंक चोरी हुए रुपए का आकलन करने में जुटा। बताया जा रहा है कि लगभग 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। महिला गैंग को लीड कर रही थी। दोनों जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर की तरफ एटीएम चोर भाग गए। वहीं एसपी कांतेश मिश्रा ने चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया है। इसके साथ ही टीम लगातार एटीएम और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान कर रही है। इसके अलावा दोनों एटीएम से कितने की चोरी हुई है इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। दोनों जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर की तरफ एटीएम चोर भाग गए। पुलिस को शहरों ग्रामीण इलाकों में लगे एटीएम की सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट।